बिना मेहनत मिनटों में बनाएंगे साबुदाने की एकदम नई और अनोखी सीरीज भी, जिसे देखते ही आप भी हो जाएंगे हैरान। स्वागत है आपका इंडियन फूड सुतोसा में। तो देर किस बात की, चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने आधा कप साबुदाने को 2 से 3 बार साफ पानी से धुलकर साबुदाने के 1 इंच ऊपर तक पानी हमने भरकर रख दिया था। 2 से 3 घंटे के बाद साबुदाना अच्छी तरह से फूल चुका है। आप छोटे दाने वाले साबुदाना का भी प्रयोग कर सकते हैं जो आपके घर में साबुदाना उपलब्ध हो। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर हमने 3 से 4 उबले हुए और मैश किए हुए आलू लिया है, इसमें डाल देंगे। आलू पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। गर्म आलू रहेगा तो साबुदाना थोड़ा सा नरम हो जाएगा। अब इसे हम किनारे रख देंगे और यहाँ पर हमने दूसरा मिक्सिंग बोल ले लिया और यहाँ पर हमने एक कच्चा आलू लिया है। हम क्या करेंगे ना, बारीक छेद वाला जो कद्दूकस करने वाला मशीन होता है या फिर ग्रेटर होता है, उस पर हम आलू को इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। आलू हमने बड़े साइज का लिया हुआ है, आप एक छोटा साइज आलू का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें से हम आधा आलू को ही कद्दूकस करेंगे। एकदम नई और अनोखी सी रेसिपी है, इसे एक बार आप बनाकर जरूर देखिएगा। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा पनीर लिया हुआ है इस नाश्ते को हेल्दी बनाने के लिए, पनीर को भी हम इसमें कद्दूकस कर लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आएगी ना, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में दिए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। तो पनीर को भी हमने कद्दूकस कर लिया। आप पनीर के जगह पर मूंगफली का भी प्रयोग कर सकते हैं इसे थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे ना, 1 इंच अदरक के टुकड़ों को भी इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो इसे बारीक काट कर डाल सकते हैं या फिर कूट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से डालेंगे ना तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ करी पत्ता डाल देंगे। आप बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती भी इसमें डाल सकते हैं। साथ में हम स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डाल देंगे। व्रत में खाने के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक का प्रयोग करेंगे। 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा डालेंगे और साथ में हम 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर डाल देंगे। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और सभी चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे। व्रत में जो चीज़ें आप नहीं खाते हैं उसे स्किप कर दीजिएगा। बहुत लोग व्रत में जीरा नहीं खाते हैं, धनिया नहीं खाते, तो आप उसे ना डालिएगा। अब ये साबुदाना और आलू को भी हम इसी में मिला देंगे, यानी कि पनीर में मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से थोड़ा सा हाथ से मैश करते हुए आटे की तरह गूंथ लेंगे। इसमें हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल सूखा ही इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद ना ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा जब आप इस तरीके से इसे मिला देंगे तो। और इस तरीके से एक बड़ी सी लोई बनाकर आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए लोई भी बन जा रही है और ये चिकना सा बन रहा है। अगर आपको लग रहा है ना कि थोड़ा सा रुखरा बन रहा है या फिर टूट रहा है, तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच दही मिला दीजिएगा। अब इसे हम थोड़ी देर के किनारे रख देंगे। अब हम मिक्सी का जार लेंगे और यहाँ पर हमने एक कच्चा अमरूद को इस तरीके से मोटे टुकड़ों में काट कर लिया है, इसे डाल देंगे। साथ में इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती और 1-2 हरी मिर्च इस तरीके से तोड़ करके, मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। थोड़ा सा पुदीने की पत्तियाँ डाल देंगे और इसे हम बारीक पीस लेंगे। इसमें हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, इस तरीके से बारीक चटनी बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी चटनी बनकर के तैयार हो गई। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा जीरा भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और ये चटनी बनाकर इस तरीके से तैयार कर लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इस तरीके से थोड़ा सा ही पतला रखना है। इसे एक बोल में निकाल लेंगे। काफ़ी स्वादिष्ट सी ये चटनी बनकर के तैयार होती है, आप इसे व्रत में खा सकते हैं और इस रेसिपी के साथ ये चटनी काफ़ी टेस्टी लगती है। इसे किनारे रख देंगे। अब इस तरीके का हम प्लास्टिक ले लेंगे या आप दूध का पैकेट जो आता है ना उसको भी काट करके ले सकते हैं। थोड़ा सा चिकना होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब एक बड़ी सी लोई बनाएंगे, जैसे हम आटे की लोई बनाते हैं ना बिल्कुल उस तरीके की, और इसे चिकना कर लेंगे और इसको हम प्लास्टिक पर रख देंगे और रखकर हाथ से इस तरीके से चपटा करेंगे। आप चाहे जितना इसे पतला कर सकते हैं, फिर चाहे जितना मोटा कर सकते हैं। पतला करेंगे तो थोड़ा सा पलटने में आपको दिक्कत होगी और थोड़ा सा मोटा रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। हम क्या करेंगे, किनारे के साइडों को इस तरीके से चिकना कर लेंगे। थोड़े थोड़े साबुदाने जो हैं बाहर निकल जाते हैं, तो इस तरीके से आप इसे चिकना कर लीजिएगा। और ये देखिए प्लास्टिक पर से कितनी आसानी से उतर जा रहा है, मैं उतार करके दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरे हाथ पर आ गया। तो इस तरीके से, अगर आपके पास इस तरीके का प्लास्टिक नहीं है ना, तो आप सूती कपड़े पर थोड़ा सा पानी डाल करके इस तरीके से इसे फैला करके और फिर इसे पलट कर आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने एक साबुदाने के
पराठा बनाकर तैयार कर लिया। अब हम गैस चलाकर तवा गरम करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे। व्रत में खा रहे हैं तो देसी घी का प्रयोग करेंगे। अगर आप व्रत में रिफाइंड ऑयल खाते हैं तो रिफाइंड ऑयल भी इस पर लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्लास्टिक पर से इस साबूदाने के पराठे को हम इस तरीके से पलट लेंगे और तवे पर डाल देंगे। जैसे ही थोड़ा सा नीचे से हो जाएगा, गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और जैसे ही एक तरफ से हो जाएगा ना, इस तरीके से हम पलट देंगे। काफ़ी नरम होता है तो थोड़ा सा आप इसे संभाल कर पलटिएगा। अब थोड़ा सा देसी घी हम किनारे से डाल देंगे और इस तरीके से ऊपर से भी हम लगा देंगे। इसमें हमें बहुत ज़्यादा देसी घी का प्रयोग नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही देसी घी का प्रयोग करना है। और जैसे ही नीचे से थोड़ा सा कड़क होगा, इस तरीके से पलट देंगे। थोड़ा सा देसी घी और लगा देंगे। काफ़ी टेस्टी ये पराठा होता है व्रत में खाने के लिए और काफ़ी हेल्दी भी होता है। दोनों तरफ से हमें इसे अलटते पलटते हुए इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक, यानी कड़क होने तक सेक लेना है। इसमें हमने पनीर डाला है तो ये पराठा थोड़ा सा सॉफ्ट भी होता है खाने में। अब ये देखिए, लगभग 1 मिनट में ये पराठा थोड़ा सा कुरकुरा हो जाएगा, यानी कड़क हो जाएगा। तो इसे हम इस तरीके से उतार लेंगे, यानी कि पलट लेंगे। अब दूसरे तरीके से भी हम पराठे को इसी तरीके से बना लेते हैं। तो थोड़ा सा हमने पराठे को मोटा बनाया, देखिए, और इसी तरीके से इसे हम पलट देंगे। तो इसे आप जितना चाहे पतला भी बना सकते हैं और मोटा भी बना सकते हैं। पतला बनाएंगे तो टूटने का डर ज़्यादा रहता है और मोटा बनाएंगे तो इसमें पलटने का आपको डर या फिर टूटने का डर नहीं रहेगा। थोड़ा सा देसी घी किनारे से डाल देंगे और इस तरीके से इसे चिकना कर लेंगे। और चिकना करने के बाद इसे हम दोबारा पलट देंगे इस तरीके से। कम समय में और काफ़ी स्वादिष्ट सी रेसिपी बन करके तैयार होती है। बच्चे हो या फिर बड़ों हो, सबको काफ़ी पसंद आता है। अगर आप व्रत में नहीं खा रहे हैं तो इस तरीके से आप बच्चों को नाश्ता में भी बना कर दे सकते हैं, उन्हें काफ़ी पसंद आता है। और ये देखिए, पराठे हमारे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और कड़क हो गए हैं। इसे हम उतार लेंगे, यानी कि किनारे रख देंगे। और इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए मिश्रण का इसी तरीके से पराठा बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली का पाउडर भी मिला सकते हैं। अगर ये पराठा ज़्यादा टूट रहा है तो थोड़ा सा आप इसमें सिंघाड़े का आटा भी मिला सकते हैं। इस तरीके से हमने सारे पराठों को बनाकर तैयार कर लिया और ये देखिए कितनी स्वादिष्ट ये चटनी लग रही है और देखने में भी पराठा हमारा कितना टेस्टी लग रहा है। जितना स्वादिष्ट ये देखने में लग रहा है, यानी कि टेस्टी लग रहा है, उससे ही कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट ये खाने में लगता है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कच्चा आलू नहीं डालना चाहते हैं तो केवल उबले आलू से भी इसे बना सकते हैं। कच्चा आलू डालने से थोड़ा सा इसमें बाइंडिंग आ जाती है, यानी कि थोड़ा सा ये चिकना हो जाता है। ये देखिए, पराठे के साथ ये चटनी का खाने का मज़ा ही दुगना हो जाता है। तो आप व्रत हों या फिर बिना व्रत का भी इस रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर देखिएगा, यकीन मानिए आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर आप अमरूद की चटनी नहीं बनाना चाहते तो टमाटर की चटनी से खा सकते हैं। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टाटा बाय बाय, टेक।